हाय फ्रेंड्स, मैं सेफ सुनील आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरा एक फ्रेश एपिसोड में। सो आज आप ये मच्छी देख के सोच रहे होंगे, मच्छी नाइफ दोनों, इतना बड़ा मच्छी। तो मैं सोचा कि चलो घर पे कैसे आप फिश को बोनलेस कर पाएँ। एक होल फिश अगर आप घर पे लेके आते हो तो कैसे उसको बोनलेस करें। तो पहले आप मच्छी को आराम से उसका जो साइड वाला ना उसको चिरक लाइनिंग कर दीजिए। फिर स्लोली जब आप मच्छी बड़ा वाला मच्छी को आप बोनलेस करते हो तो केयरफुली जब नाइफ और चॉपिंग बोर्ड यूज़ करो आप। और प्लस मैं एक सिंपल बोलना चाहता हूँ कि जो सी फूड के लिए हम लोगों का जो चॉपिंग बोर्ड होता है यूज, वो ब्लू कलर का चॉपिंग बोर्ड और ब्लू कलर का नाइफ यूज होता है जनरली। तो यहाँ पर आपको स्लोली बोनलेस करना है। वंस बोनलेस करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका स्किन कैसे रिमूव करना है। बहुत बढ़िया आसानी तरीक़ा से करेंगे हम लोग। तो जो कि आप अगर घर पे कभी कुछ समथिंग होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल का कुछ बनाना चाहते हो तो ये जो मच्छी है उसका फिलेट निकाल के फिर उसका स्किन आउट करके फिर आपको उसको बढ़िया से बना सकते हो। जैसे कि आप चिली फिश बना सकते हो, फिश चटपटी बना सकते हो। देन मैं आपको आज दिखाऊंगा भी कैसे जो आपका चिली फिश के लिए कट होता है, देन फिर आप जब फिश फिंगर बनाते हो तो फिश फिंगर के लिए कैसे फिंगर कट होता है, देन पैन ग्रिल जब फिश करते हो आप तो स्लाइसेस पीस कैसे किया जाता है, ये डिटेल में आपको अभी दिखाऊंगा काट के। तो बट मैं अभी फिलेट कैसे कर रहा है हम लोग उसको दिखा रहा हूँ। तो स्लोली इसको बढ़िया से फिलेट करना है। वंस फिलेट हो जाने के बाद इसको हम लोग उसका स्किन रिमूव करेंगे। तो जब आप फिलेट कर रहे हो तो केयरफुल नाइफ अपना हाथ देख के प्रॉपरली, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं तो सेफ लोग हैं तो हम लोग को मैंने आसानी होता है काम करने के लिए, बट कभी कभी हाथ भी कटता है। तो इसीलिए जब आप घर पे काट रहे होंगे तो उसको केयरफुली हैंडल कीजिए सो दैट आपको हार्म ना हो। तो ये एक साइड का फिलेट मैंने निकाल दिया है एक मच्छी का, तो दूसरे साइड का फिलेट निकाल रहा हूँ जो कि पूरा होल मच्छी को बोनलेस करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कट कैसे होता है। तो वंस ये कट होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश कट्स जो कि बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हो। जो फिश कट्स रहता है उसको फिलेट करके फिर आप उसको मैरिनेट करके जो चाहे उसको बना सकते हो आप घर पे। तो ये दूसरे साइड का फिलेट कट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये अभी हम लोग का फिलेट हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ये फिलेट बनता है। तो इसको आप कुछ भी चीज़ जब करते हो तो उसको प्रैक्टिस चाहिए तो दैट बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। तो हम लोग भी प्रैक्टिस कर करके फिर ऐसे बढ़िया आसानी से कट कर पा रहे हैं। तो आराम से सीखते सीखते ही सब कुछ सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हो। ये दोनों तरह का फिलेट हमारा निकल गया और फिश जो है अभी पूरा पूरी दोनों फिलेट में निकाल के फिर ये रेस्ट फिश को आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक कॉटलेट बना सकते हो, बहुत सारा चीज़ बॉयल करके। अभी फिलेट जो होता है जो आपका नीचे का जो थोड़ा सा स्किन रख के फिर उसको बढ़िया से उसका जो स्किन रिमूव कर सकते हो। स्किन एक्चुअली चीज़ क्या होता है कि स्किन में ज़्यादातर फैट रहता है तो ऑयल रहता है, तो इसलिए आप बढ़िया से उसको स्किन रिमूव कर दो। और ज़्यादातर लोग स्किन विदाउट स्किन खाना पसंद करते हैं मच्छी को। तो ये ऑलरेडी स्किन रिमूव हो गया है हमारा एक साइड का, तो जो अभी थोड़ा बच गया है स्किन सो मैं उसको फिर से निकाल लेता हूँ साइड करके। तो एक बार निकल जाएगा स्लोली उसके ऊपर से मैं उसका स्किन रिमूव कर रहा हूँ। तो वंस ये स्किन रिमूव होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट कट्स कैसे होता है। तो जो कट्स हम लोग अभी बनाएंगे आज, मैं ऐसे ही जो लेके आता हूँ हमेशा एक एक नया वीडियो यूट्यूब पे, तो आप डेफिनेटली ये देखते रहिए। और सिंपल मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो आप एक काम कर सकते हैं, एक लाइक और एक शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को सो दैट आप जो सीख पा रहे हो कोई दूसरा भी सीख सकता है। ये
छोटा छोटा पीसेस मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको अभी फिश फिंगर जो कट जो मैं सिखाऊंगा आपको, जो कि बहुत आसानी से आप घर पे अगर मेहमान आते हैं तो बच्चे लोग आजकल फिश फिंगर खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं। तो ये हो गया फिंगर कट आपका। तो फिर उसके बाद आप ये जो फिंगर कट फिश है इसको आप मैरिनेट करके बढ़िया से फिश फिंगर बना सकते हो। ये बहुत आसानी से आप डिफरेंट कट दे सकते हो। जो फिश है बोनलेस हो गया हमारा, मैंने बढ़िया सा इक्वल साइज़ में किया है। जब भी कोई आप कुछ करते हो, कटिंग कुछ भी करते हो, तो उसका इक्वल साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो तब जाके जब आप कुछ प्लेट में सर्व करते हो तो वो एक चार्मिंग दिखता है। तो ये हमारा हो गया पहला जो है फिंगर कट, जो जिसको फिश फिंगर कट बोलते हैं, फिश फिंगर बना सकते हो। और अभी ये फिश फिलेट कर रहा हूँ मैं, जो कि फिश फिलेट है आप पैन ग्रिल फिश के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर फिश कुक होने में 7 से 8 मिनट लगता है, तो इसको आप ऐसे ही फिलेट बना सकते हो। बड़ा बड़ा फिलेट भी आप बना सकते हो, मैं छोटा छोटा फिलेट बनाया। फिर इसको आप फिश नगेट बना सकते हो, फिश करी बना सकते हो, पैन ग्रिल फिश बना सकते हो, जो आपके मन चाहे। दूसरा जो साइड है मैं अभी उसका स्किन रिमूव कर रहा हूँ, आप केयरफुली देखते रहिए, क्योंकि पहली बार अगर देख नहीं पाए तो ये दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे स्किन रिमूव किया जाता है। बहुत आसानी से आप स्किन रिमूव कर सकते हो, उसके लिए बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। करते करते होगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि हर जो होम सेफ होते हैं ना वो प्रोफेशनल सेफ बनने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप ये अगर मेरा वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आप जो प्रोफेशनल सेफ बन सकते हो। जो हम लोग का अभी मैं फिलेट का जो निकाल के फिर उसका स्किन रिमूव करना कैसे सिखा रहा हूँ आप, बहुत आसानी से बढ़िया से ये स्किन रिमूव हो गया है। तो इस स्किन को हम लोग हटा देंगे, फॉर ये जो फिलेट हमारा है इसको हम लोग डिफरेंट कट्स करेंगे। तो ये जो फिश है इसके बीच में जब मैं जो काट रहा हूँ वहाँ पर छोटा छोटा बोन्स रहता है, क्योंकि ये सिंगल बोन फिश है, मिड में एक बोन रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बोन रहता है। मैं स्लोली उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, मेरा हाथ जो दिख रहा है, तो छोटा छोटा ये जो कांटा रहता है वो भी निकल जाएगा, ताकि आप जब खाओगे तो खाने के लिए आसानी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप ये पार्ट को नज़र दीजिए जब भी आप फिश फिलेट करते हो। ये हो गया कट, थोड़ा थोड़ा हमारा निकल गया जो फिश का बोन्स था, और थोड़ा निकाल लेते हैं उसको। वंस निकलने के बाद फिर भी मैं देखा वहाँ पर एक फिश का बोन रह गया है जो मेरे हाथ पे लग रहा है, तो उसको मैं निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। निकल गया फिश, रिमूव हो गया है। अभी इसको हम लोग चिली फिश जो कट होता है, चिली फिश कर सकते हो आप, नहीं तो फिर फिश 65 कर सकते हो, फिश चटपटी कर सकते हो, सीजवन फिश कर सकते हो, कुछ भी जो आपके मन चाहे। आप किचन के मास्टर हो, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। ये कट्स हो गया है, जब भी आप कट करते हो तो पूरा इक्वल साइज़ में कट करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जैसे आप कटिंग करोगे वैसे ही आपका खाना का प्रेजेंटेशन कर पाओगे, बहुत बढ़िया दिखेगा जो भी प्रेजेंट करोगे आप। तो डेफिनेटली बीच में से मैंने एक और एक काट लिया, फिर इसको थोड़ा थोड़ा पीसेस पे कर दूंगा। आप मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको सब निकाल के कैसे आपका इक्वल साइज़ में हम लोगों का फिश कट होता है। तो ये पूरा इक्वल साइज, जब आप काटते हो तो आपका हाथ देखिए वहाँ पर पूरा बढ़िया से नाइफ लेके इक्वल साइज़ का आप काट सकते हो, ताकि जब आप इसको फ्राई करोगे या डीप फ्राई करोगे तो ये जो हर फिश जो है ना बढ़िया से कुक हो जाएगा इक्वल साइज़ में। अगर बड़ा छोटा करते हो तो छोटा वाला कुक हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, बट बड़ा वाला रह जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए काटना बहुत ज़रूरी है, इक्वल साइज़ में आप काटोगे, कंपल काटोगे तो हर चीज़ आपका परफेक्ट रहेगा। खाना एक ऐसा चीज़ होता है जैसे आप उसको दिल से बनाओगे वैसे उतना अच्छा लगेगा। ये हमारा कट बन गया है, जो डाइस कट बोलते हैं इसको, बढ़िया से मस्त हो गया है हमारा फिलेट। तो डेफिनेटली आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरे को कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जब मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच।